राष्ट्रीय आय कैसे मापा जाता है? राष्ट्रीय आय की विभिन्न विधियों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दिया हुआ राष्ट्रीय आय गणना की, राष्ट्रीय मापन की विभिन्न विधियों के बारे में। देखने में सरल लगता है, विभिन्न विधियों को जब पढ़ते हैं हमें लगता है कि राष्ट्रीय आय तो मापना बस है, केवल कुछ चीज़ों को प्लस कर दीजिए, राष्ट्रीय आय निकल के आ जाता है। अलग अलग विधियों में अलग अलग चीज़ें प्लस करते हैं, अलग अलग आइटम्स प्लस करते हैं, राष्ट्रीय निकल के आ जाता है। दिखने में जितना इजी लगता है राष्ट्रीय आय को सॉल्व करना, उसके मापन की उससे ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। यानी कि राष्ट्रीय मापन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जो दिखने में इजी सी लगती हैं, लेकिन यह रियली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करने जाते हैं, कुछ ऐसी परेशानियाँ आती हैं, कुछ ऐसे कठिनाइयाँ आती हैं जिसको पहले सुलझाना होता है। तो वो कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं राष्ट्रीय मापन की, जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और अक्सर एग्ज़ाम पूछा जाए, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, उत्तराखंड के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। राष्ट्रीय मापन की प्रमुख कठिनाइयों को दो वर्गों में बांटा गया है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं हूँ नकुल सर, आप देखते हैं कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था, राष्ट्रीय मापन की दो प्रमुख कैटेगरी रखा गया जो कठिनाइयों को, एक सांख्यिकी की कठिनाइयाँ और दूसरी है विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय गणना में कठिनाइयाँ, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ जो विकासशील देशों के सामने आती हैं, और दूसरी जो कॉमन कठिनाइयाँ होती हैं सांख्यिकी कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सांख्यिकी कठिनाइयों की बात करते हैं, स्टैटिकल प्रॉब्लम्स। ये ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं जो राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों से जो है प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं, यानी कि राष्ट्रीय मापन विधियों से संबंधित कठिनाइयाँ, ऐसी कठिनाइयाँ जो राष्ट्रीय मापन की विधियों से होती हैं। विधियाँ मतलब राष्ट्रीय मापन की आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। और उसमें हम आय विधि की बात करें, राष्ट्रीय मापन की आय विधि में कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, तो आय विधि के अंतर्गत जो परेशानियाँ आती हैं वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबके सामने भी आ सकती हैं। सबसे पहले आय खाता, आय प्रमाण पत्र का अभाव। लगभग लगभग लोग जो बड़े बड़े बिजनेस में तो हर चीज़ का टोटल, हर चीज़ का हिसाब किताब लगता है, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेस है वो लोग अपना आय खाता या आय प्रमाण पत्र जो है नहीं रख पाते हैं, और ये रखते भी नहीं है। तो ऐसे में उनका रियल इनकम कितना है उसके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी, आय ज्ञात करना कठिन, हर व्यक्ति की आय कितनी है, क्योंकि आय क्या होता है यहाँ पर, साधन आय, साधन आय की बात होती है। तो कौन कितना आय कमा रहा है, किराए से कितना कमा रहा है, लाभ कितना हो रहा है, सैलरी कितनी हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में पता करना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य होता है। और नेक्स्ट, विश्वसनीयता अभाव। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का शुद्ध विवरण देगा ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो आय बता रहा है उसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। हम जो टोटल इनकम निकालते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, हमारे सामने नहीं आ पाती है, या सामने वाला सही बात, अपने सही डेटा नहीं देता है। ऐसे में आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय गणना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सुलझाना बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट, उत्पाद विधि की कठिनाइयाँ। अगर उत्पाद विधि का प्रयोग करते तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है? उत्पाद विधि में सबसे पहली परेशानी आती है कि जो अंतिम वस्तु का उत्पादन होता है, किसी भी देश में अंतिम वस्तु के उत्पादन के सही आंकड़ों का पता करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि कौन से सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है, और वो भी अंतिम उत्पादन होना चाहिए, ठीक है ना, यही सबसे बड़ी परेशानी है। और उसके बाद जो सबसे दूसरी परेशानी होती है इसमें उत्पादन विधि के अंदर, वो है दोहरे गणना की समस्या, क्योंकि अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेना होता है या मूल्य वृद्धि का मूल्य होना होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक ही वस्तु का मूल्य दो बार लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि हमें चीनी जो है अंतिम वस्तु के रूप में हम लेते हैं, इसका मूल हमने शामिल कर लिया, लेकिन जो चीनी का मूल हमने शामिल कर लिया मिठाई की दुकान वाले के लिए, वो चीनी जो है अंतिम वस्तु नहीं, वो मध्यवर्ती वस्तु है। अगर हमने चीनी के संपूर्ण मूल को शामिल कर लिया तो मिठाई भी अंतिम वस्तु के रूप में उसका भी मूल शामिल कर लिया होगा हमने, तो चीनी तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यानी कि दो जगह जब इसके मूल को जोड़ते हैं, इस प्रॉब्लम को हम दोहरे गणना की समस्या कहते हैं। और ये अक्सर ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी मदें ऐसी होती है जो एक से ज़्यादा बार जुड़ जाती हैं, तो इन सब चीज़ों से भी बचना जरूरी है। नेक्स्ट है मदों के मूल्यांकन में कठिनाइयाँ। किस मद का कितना मूल्य है, बाजार मूल्य क्या है, साधन लागत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पता कर पाना मुश्किल होता है।
क्योंकि वस्तुओं की जो है किस्में अलग होती हैं, वैरायटी अलग होती है, ब्रांड अलग होता है, किस वस्तु का क्या मूल्य है, किस प्रकार से लिया जाए, इन सब चीज़ों में कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये भी राष्ट्रीय के सामने कठिनाई पैदा करती हैं। नेक्स्ट है व्यय विधि की कठिनाइयाँ। जब उत्पाद विधि के अंतर्गत कठिनाई है, आय विधि के अंदर कठिनाइयाँ पड़ती है, तो व्यय विधि में भी उत्तर कठिनाई। सबसे पहली कठिनाई यह है कि व्ययों के बारे में उचित लेखांकन नहीं हो पाता है। कौन कितना खर्च कर रहा है इसके बारे में सही डाटा नहीं होता, क्योंकि व्यय विधि के अंतर्गत सभी नागरिकों के द्वारा अंतिम वस्तु पर किए गए व्ययों का मूल्य शामिल किया जाता है। और अंतिम वस्तु पर व्यय ये कौन, व्यापारी उत्पादों को किराए किराए तो ठीक ठाक रखते हैं, लेकिन अगर उत्पादकों के से उपभोक्ताओं के अगर व्ययों की बात करें उसके बारे में सही डेटा में नहीं मिल पाता है। वार्षिक व्यय व्यक्त करना कठिन होता है। अनेक परिवार अपने व्ययों का बहुत से बारात में जो है लगभग लगभग लोग मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो है हर चीज़ का जो है प्रॉपर जो है हिसाब किताब करके नहीं रखती है। जब हर चीज़ का प्रॉपर हिसाब किताब नहीं होता है तो ऐसे में एनुअली कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना खर्च किया, उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे, यहाँ प्रॉब्लम होती है। और लास्ट बचत समंकों का अभाव। बचत संबंधी समंकों का शुद्ध अनुमान लगाना भी कठिन रहता है, कि कोई भी व्यक्ति व्यक्ति जो है कोई भी भारत में या कहीं पर भी कोई भी जो है अपनी बचतों के बारे में पूरी पूरी जानकारी नहीं देता है। उसने बैंक में कितना जमा कर रखा है, उसके पास सोना कितना है, कितना क्या पैसा उसके पास बचा हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल व्यक्ति नहीं देता है, संकोच करता है, और ये आम बात है। तो ये होगी सांख्यिकी कठिनाइयाँ कि मापन से संबंधित, विधियों से संबंधित। अब हम बात करेंगे कि एक विकासशील देश जैसे भारत जैसे देशों के सामने राष्ट्रीय की गणना में कौन कौन सी परेशानी आती है। अगर भारत जैसे देशों के सामने राष्ट्रीय गणना की कठिनाइयों को देखें तो सबसे पहली परेशानी आती है अशिक्षा। भारत में अशिक्षा व्याप्त है और अशिक्षा इतनी है, इस अशिक्षा होने के कारण जो है लोग अंधविश्वास में या फिर किसी चीज़ को उदासीनता के कारण वो अपनी इनकम को, अपने व्यापार से संबंधित और सूचनाओं को देने से कतराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जानते नहीं। अशिक्षा का मतलब होता है ये अनजान रहते हैं या फिर ये इनका विश्वास नहीं हो पाता, ये किसी पर बिलीव नहीं कर पाते और ये अपना पूरा डेटा जो है नहीं देते, कितना कमा रहे हैं, कितने का व्यापार कर रहे हैं छुपा ले जाते हैं। दूसरी दोषपूर्ण समंक, जो भी डेटा हमारे पास सामने आता है उस डेटा से कठिनाई ये है कि ये अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और ये समंक प्राय अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध मतलब तो शुद्ध नहीं होते हैं। जैसे कृषि से कितना दूध हुआ, कितनी मछली की पैदावार हुई, सब्जियां कितनी है, फल कितना हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर डेटा हमें नहीं मिल पाता है। कुछ घर में यूज होता है, कुछ मार्केट में बिक जाता है, तो ये प्रॉपर डेटा नहीं हो पाता। इसका मतलब जो डेटा हमारे सामने आता भी है वो दोषपूर्ण होता है। अगर सरकार ने कहा कि 1 साल में हमने जो है 1000 टन जो है गेहूं परचेज कर लिया, तो ये जो है एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा। इन्होंने गवर्नमेंट ने जितना खरीदा वही है, तो इस मतलब ये नहीं कि ये प्रोडक्शन हुआ है। किसानों ने अपने घरों में भी रख लिया होगा, कुछ जो है लोकली बेच दिया होगा, कुछ जो है डायरेक्टली मिलों को बेच दिया होगा, इन सब के बारे में जो डेटा वो भी तो कलेक्ट करना होगा। इसका मतलब जो डेटा हमारे पास आता है वो दोषपूर्ण होता है, वो सही नहीं हो सकता। आज भी भारत के बहुत सारे एरिया में या गांव देहात के एरिया में दूर दराज में वस्तु विनिमय व्यवस्था प्रचलित है और वस्तु विनिमय प्रचलित होने के कारण जो है यहाँ पर रुपए पैसे संबंधित कोई हिसाब किताब नहीं होता है और इन सब चीज़ों के हिसाब किताब नहीं होने के कारण भी राष्ट्रीय आय का सटीकता अनुमान करना भी कठिन हो जाता है। अब बात कीजिए, जैसे आप अगर किसी को कह रहे हैं कि मुझे चावल चाहिए और मेरे पास गेहूं है ले लो, तो आपने इंटरचेंज कर दिया, दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो गई, तो यहाँ पर किस चीज़ का हिसाब किताब रखेंगे, चावल का देने का या गेहूँ लेने का। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का आप, क्योंकि जो वस्तु विनिमय होता है आवश्यकता की पूर्ति करता है, मुद्रा के द्वारा भी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो मुद्रा का तो हिसाब किताब रखा जा सकता है लेकिन वस्तु विनिमय का हिसाब किताब रखना मुश्किल है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण व्यावसायिक वर्गीकरण। भारत जैसे देशों में जो विकसित देश है, जो है विकासशील देश है, यहाँ पर पेशेवर विज्ञापन जो उचित समय प्राप्त नहीं है। कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है, किसका इनकम कितना है, इसके बारे में सही क्लासिफिकेशन आज भी नहीं है, जिसके कारण आप सही डेटा भी उनके इनकम का नहीं ले सकते। क्षेत्रीय विविधताएं, क्योंकि भारत
और विकसित देश है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक, रीति रिवाज, भूमि, जलवायु, उत्पत्ति, खनिज, व्यवसाय, ठीक है ना, रहन सहन, भाषा, बोली आदि के आधार पर बहुत सारी जो है डिफरेंसेस है। और जब इन पे डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है उनकी आयु में भी विविधताएं होंगी। जब आयु में विविधताएं होंगी तो हर क्षेत्र का एक समान आधार पर आयु का अनुमान लगाना भी गलत हो जाता है, सही नहीं रहता है। हो सकता है किसी जगह पर की आय 2,000 रुपये प्रति माह हो और कहीं पर 20,000 रुपये प्रति माह हो। हम दोनों के बीच में रहन सहन अलग अलग तरीके का है, तो किस तरह से कह सकते हो कि 20,000 वाला ले या 2,000 पर रखे। नेक्स्ट, पारिभाषिक कठिनाइयाँ। अधिकांश देशों में आय, व्यय, बचत, उत्पादन, उपभोग, इन सब का जो परिभाषा है, इन सब का अर्थ अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। जब अर्थों के बीच में अलग समानता नहीं होती है, पारिभाषिक रूप से एक समानता नहीं होती है, तो यहाँ पर भी इन चीज़ों के से डेटा लेना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रमुख कठिनाइयाँ हैं, प्रमुख समस्याएँ हैं जो किसी भी देश में राष्ट्रीय के गणना के वक्त सामने आती हैं, और इन समस्याओं को दूर करने के बाद ही हम शुद्ध राष्ट्रीय की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं आप, और आप अगर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मैं लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और छोटे छोटे वीडियो होंगे, लॉन्ग वीडियो नहीं, छोटा छोटा वीडियो, ताकि आपकी छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स दूर हो सके। थैंक यू एवरीवन।